नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। होली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 500 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, 17 मार्च बड़ी पूर्णिमा होलिका दहन, गाय को खिला दें, ये एक छोटी सी चीज करोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और उसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन का पर्व 17 मार्च दिन गुरुवार को है। इस फाल्गुन पूर्णिमा पर पड़ने वाली होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है और अगले दिन रंग वाली होली खेली जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन करना चाहिए, लेकिन इस समय भद्रा नहीं होना चाहिए। भद्रा के समय में होलिका दहन करने से अनिष्ट हो सकता है, इसलिए भद्रा रहित प्रदोष काल फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इस बार 17 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर भद्रा दोपहर 1:29 से ही लग जाएगी और जो कि देर रात्र 1:12 में समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा पूरे समय होती है तब भद्रा के पूंछ के समय होलिका दहन किया जा सकता है, लेकिन भद्रा के मुख के समय होलिका दहन ना करें। इसलिए इस बार 17 मार्च को होलिका दहन भद्रा पूंछ में रात्रि 9:20 से रात्रि 10:31 तक किया जाएगा। यानी कि जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, वो 17 मार्च की रात्रि 9:20 से और रात्रि 10:31 का शुभ मुहूर्त होगा। इस समय होलिका दहन कर सकते हैं। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इस बार कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन होलिका दहन जलाया जाता है और होली की अग्नि में कुछ विशेष रूप से उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करने के बाद आप कुछ उपाय जरूर करें। अगर इस फाल्गुन पूर्णिमा के होलिका दहन के दिन अगर आप गाय को एक छोटी सी चीज खिला दें तो करोड़पति से भी करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार की फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कई सारे अद्भुत शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, ध्रुव योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा पर पड़ने वाली होलिका का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम जश्न मनाते हैं और उसके अगले दिन रंग वाली होली खेलकर एक नए साल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। और दोस्तों, होलिका दहन के दिन होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी जो प्रहलाद को जलाना चाहती थी, लेकिन भगवान विष्णु जी की कृपा से वह स्वयं जल गई और भक्त प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान नारायण ने की। इसलिए इसी खुशी में हम इस दिन होलिका दहन के रूप में यानी कि जश्न मनाते हैं और बुराई को जलाकर और अच्छाई की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा 17 मार्च दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन आप एक छोटा सा उपाय करके बहुत ही अपने जीवन में सफलता और समृद्धि पा सकते हैं। एक छोटे से उपाय, यह उपाय बहुत ही असरकारक और बहुत ही लाभदायक रहता है। दोस्तों, गाय की इस दिन पूजा करना और गाय को कुछ न कुछ खिलाना विशेष सुफलदायी माना जाता है। दोस्तों, बता दें कि फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन के दिन गाय की सेवा करना और गाय को एक छोटी सी चीज खिला देना जो आपके सारे अनिष्टों को मिटा देगा और साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा बरसेगी। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले आप यानी कि उठ जाएं और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धोकर फिर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें और माता लक्ष्मी जी की, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और माता लक्ष्मी जी इस दिन प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। तो दोस्तों, बता दें कि आप यानी कि नहा धो के पूजा पाठ करके पीले पुष्प, पीले फल और पीले वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करें और माता लक्ष्मी जी को आप लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल फल अर्पित करें और फिर इस दिन हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करें और फिर आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और पूरे दिन ही आप जाप करने के बाद फिर आप यानी कि पूजा पाठ करें और रात्रि में आपको होलिका दहन जलाना है। दोस्तों, इस दिन गाय को आप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें, जैसे कि आप पूजा पाठ करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करने के बाद फिर आप आटा ले लें और शुद्ध जल से आटे को गूंद कर आप उससे एक रोटी बना लें।
रोटी में आप थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी घी और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी से काले तिल और थोड़े से मिश्री रख के गाय को आप चुपचाप खिला दें। दोस्तों इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अगर आप गाय को ये एक रोटी के साथ ये गुड़ घी और काला तिल और एक चुटकी हल्दी डालकर अगर आप खिलाते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा से पूरे साल जमकर पैसा बरसेगा, पैसा पूरे साल कभी धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में धन धान की बरकत हमेशा बनी रहेगी, इससे माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और फाल्गुन पूर्णिमा के होलिका दहन के दिन अगर गाय को ये एक चीज खिलाते हैं रोटी के साथ, यानी कि थोड़ी सी हल्दी मिश्री काला तिल डाल के और गुड़ डाल के, तो विशेष लाभ होता है। दोस्तों वैसे तो आप चाहें तो इस दिन आप यानी कि काले तिल गुड़ और घी से बने लड्डू भी खिला सकते हैं। आप इस दिन गाय को हरी घास जरूर खिलाइएगा। फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दहन के दिन आप यानी गाय को हरी घास ले लें और एक रोटी ले लें, थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल के, थोड़ी सी घी और थोड़ा सा काला तिल डाल के, थोड़ी सी हल्दी, और गाय को चुपचाप खिला दें। कोई बोले ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। लेकिन दोस्तों गाय को दिन में आप खिलाने के बाद रात्रि में होलिका दहन जरूर करिए। होलिका की जलती हुई अग्नि में छोटे छोटे उपाय भी करिएगा। होलिका दहन यानी कि इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के होलिका दहन के दिन आप अपने घर से थोड़ा सा आप राई ले लें यानी सरसों के दाने, और थोड़े से नमक ले लें, और चोकरा जो गेहूं के आटे का चोकरा होता ले लें, सभी घर के सदस्यों को उल्टे बार के और चुपचाप ले जाकर जलती हुई अग्नि में डाल दें तो घर के सारे अनिष्ट, सारे दुख तकलीफ या तंत्र मंत्र बाधाएं दुखना सब जलकर भस्म हो जाता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन दोस्तों दिन में गाय को जरूर एक रोटी खिलाएं। सबसे पहले रोटी जो आपके घर में बनी है उस रोटी को जरूर खिलाएं। इस रोटी को खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती है। इस दिन आप कुछ खिलाएं या ना खिलाएं, आपके घर में जो इस दिन मीठे पकवान जैसे कि इस दिन गुजिया बनती है, गुजिया वगैरह जरूर आप गाय को खिला दें। गुजिया खिलाने से, या फिर आप चाहें तो चने की रोटी गाय को खिला दें। चने की रोटी खिलाने का मतलब होता है भगवान विष्णु की अपार कृपा दृष्टि पड़ना। दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा के होलिका दहन के दिन अगर चने की रोटी खिला दें, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा चने यानी कि चने ले लें और एक रोटी में रख लें और आप उसमें थोड़ा सा गुड़ रख के आप चुपचाप गाय को खिला दें दाहिने हाथ से और अपनी मनोकामना बोल दें तो सीधे आपकी मनोकामना पूरी होगी और अपार धन संपदा आएगा। करोड़पति से भी बन जाएंगे करोड़पति और गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी। तो दोस्तों गाय को इस दिन जरूर आप ये खिलाइएगा, खासकर पहली एक रोटी तो जरूर खिलाइएगा, कुछ खिलाएं या ना खिलाएं या हरी घास खिलाएं दे। तो दोस्तों इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन मनाया जाएगा, कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं जिसके कारण इस बार की फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दहन बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों ये गाय को एक चीज़ जरूर खिलाएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव, जय महालक्ष्मी।